आपकी हमारी सबकी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे अध्यक्ष लल्लू जी, हमारी सीएलपी की हमारी बहन मोना जी, आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य आयोजक कहूँ या ऐसे भाई कहूँ जो दिन रात आपके बीच में लग के, जिनका संघर्ष मैंने बहुत बारीकी से देखा है। मुझे याद है आज से 14-15 साल पहले बगरा का वो उपचुनाव भी याद है, उसके बाद चुनाव भी याद है, और वहाँ से लेके आज तक जिनका संघर्ष याद है। नाम मुझे एमपी साहब का, हरिंदर मलिक जी का पहले लेना चाहिए, मगर भाई से भतीजा प्यारा, हम पंकज का नाम पहले लेंगे। हमारे भाई पंकज और हमारे आदरणीय हरिंदर मलिक जी, इमरान भाई, विवेक बंसल जी, सम्मानित मंच, मैं सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस भूमि को बार बार नमन करता हूँ। ये वो भूमि है जिसने कभी अन्याय नहीं सहा। जब भी किसान पे कोई आँच आई तो सबसे पहले आवाज़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस भूमि से आई। जब भूमि अधिकरण को लेकर लड़ाई लड़ने की बात आई तो राहुल जी के नेतृत्व में यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। पदयात्रा आगरा से लेकर अलीगढ़ तक पदयात्रा हुई और उस पदयात्रा की गूंज देश की संसद तक पहुंची और देश के लिए कानून बना कि किसान की भूमि का पूरा मुआवजा किसान को मिलेगा। और जब अब इस बार देश की सरकार किसान के अधिकार को छीनने के लिए 3 काले कानून लेके आई, खरीदारी से, सरकारी खरीद से पीछे हटकर बड़े उद्योगपतियों के हाथ में देश के किसान को भविष्य को सौंपने की तरफ कदम बढ़ाए, तो संघर्ष हुआ। जब पंजाब हरियाणा से वो संघर्ष शुरू हुआ तो उस संघर्ष को अगर बल देने का काम किया, उस संघर्ष को मजबूती देने का काम किया, तो इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश की इस भूमि ने किया। मैं आप सबको बार बार नमन करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रियंका गांधी जी का। जब देश के किसान पे, देश का किसान मुश्किल में आया तो इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर देश के किसान के साथ जो संघर्ष करने के लिए, चाहे वो सहारनपुर की बात हो, चाहे बिजनौर की बात हो, चाहे मेरठ मुजफ्फरनगर की बात हो, आगे मथुरा तक, प्रियंका जी जिस तरीके से दिन रात किसान के संघर्ष में साथ किसान का दे रही हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। देश का किसान, प्रियंका जी आपके इस संघर्ष को सदा याद रखेगा, आपके इस संघर्ष को कभी नहीं भूलेगा देश का किसान। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये सरकार इन कानूनों को लेकर आई और एक संघर्ष शुरू हुआ। मैं बताना चाहता हूं आपको, मैं हरियाणा से आया हूं। ये जो सिंगू बॉर्डर पे धरना है, जो टिकरी बॉर्डर पे धरना है, ये रोहतक और सोनीपत में पड़ता है, आपको पता है। आज भी जब यहां पे हमारी सभा हो रही है तो सिंगू बॉर्डर पे 21 किलोमीटर और टिकरी बॉर्डर पे 17 किलोमीटर पहले ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक चार चार लेन, हजारों लाखों की तादाद में आपके भाई वहां बैठे हैं, शांति प्रिय तरीके से बैठे हैं। 225 शव उन धरनों से हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में वापस जा चुके हैं। ऐसे ऐसे परिवार हैं, बड़ौदा के एक परिवार से मैं मिलकर आया, अजय कुंडू भाई का नाम था, 3 लड़कियां हैं, स्कूल में हैं, कैसे पढ़ाई लिखाई होगी, आगे ब्याह शादी किस तरीके से होगी, कोई हिसाब नहीं लगा पा रहे। मगर सरकार ने इस शांति प्रिय संघर्ष, जिस संघर्ष की गूंज पूरी दुनिया में गई, और मेरा मानना है आज़ादी की लड़ाई के बाद सबसे बड़ा संघर्ष ये पूरी दुनिया ने देखा है, सरकार ने उनकी बात सुनने की बजाय उनकी आवाज़ कुचलने की कोशिश करी। ऐसी असंवेदनशीलता दिखाई कि जब सदन के अंदर राहुल जी ने संवेदना व्यक्त करने के लिए, शोक प्रकट करने के लिए इन 225 परिवार के लिए, राहुल जी ने कहा कि एक बार आप इनके लिए कुछ कर नहीं सकते, इन परिवारों के लिए तो कम से कम खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखने का काम करिए, तो पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, समूचा विपक्ष उनके नेतृत्व में खड़ा हुआ। मगर सत्ता पक्ष उस समय भी मजाक और हंसी की आवाज सत्ता पक्ष की तरफ से आ रही थी। टीस हुई दिल में, किसान के बेटे के रूप में, एक देश के नौजवान के रूप में हमारे दिल में टीस हुई। ऐसा कौन सा घमंड है, ऐसा कौन सा अहंकार है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये जो घमंड है, ये जो अहंकार है, इसको
उत्तर प्रदेश में आप सब प्रियंका जी के नेतृत्व में तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। किसान के लिए नहीं तो इंसान के लिए ये कौन सा राजहट है? अपनी प्रजा की बात मानने से कोई राजा छोटा नहीं होता, अपनी प्रजा की बात मानने से किसी की हार नहीं होती, मगर ये कौन सा राजहट है? ये घमंड है, ये अहंकार है। और आज इससे आप और हम मिलकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में आज इतनी बड़ी आहुति पूरे बगरा, चरथावल, मुजफ्फरनगर क्षेत्र ने इतनी बड़ी आहुति दी है, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। अभी बात हो रही थी इमरान जी ने, मैं एक बात क्या बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। इमरान जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में एक फैसला लेना चाहिए कि जो बीजेपी के सांसद विधायक हैं उनसे इस्तीफा दिलाओ, नहीं तो समर्थन लो। हमने एक और फैसला ले लिया हरियाणा में, जमुना पार, आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी हमारी, वहां पे तो आप जाते थे, गन्ना महंगा बेच के आते थे, डीजल सस्ता खरीद के लेके आते थे, पॉपुलर महंगा बेच के जाते थे, जमुना नगर में डीजल सस्ता खरीद के लेके आते थे, उसी हरियाणा ने आज फैसला, जाते थे कि नहीं जाते थे, मैं आप सबसे सवाल पूछता हूँ, उसी हरियाणा ने सवा आज फैसला कर लिया है। एक एक गांव से आपको आवाज आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता दल के चाहे मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे विधायक हो, सांसद हो, हर गांव में उनकी एंट्री पे रोक लगा दी गई है। आपको ने देखा मुख्यमंत्री जी वहां पे खट्टर साहब प्रोग्राम नहीं कर पा रहे, अपने विधानसभा क्षेत्र में तो दुष्यंत चौटाला अपने उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम नहीं कर पा रहे। तो मैं आप सबसे ये आग्रह करना चाहता हूँ, आप तो हमेशा आगे रहते हो, तो जब हरियाणा ने फैसला कर लिया, पंजाब का नगर निगम का चुनाव हुआ, उसका नतीजा भी आपने देखा होगा, तो मैं आप सबसे पूछता हूँ, आप भी ये फैसला करके आज यहाँ से प्रण लेके जाओगे कि नहीं जाओगे, आप सबसे मैं सवाल पूछता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।